প্রতি আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। আইএফএ সচিব শ্রদ্ধেয় অনির্বাণ দত্ত, তিনি উত্তরীয় পশ্চিম বঙ্গাল সে তসবির আপকো দিখা রে, কলকাতা সে তসবির আপকো দিখা রে হ্যাঁ। कोलकाता फुटबॉल लीग का रोमांच आज से शुरू होने जा रहा है। कोलकाता फुटबॉल लीग एशिया की सबसे पुरानी लीग मानी जाती है। 1898 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके रोमांच का आगाज करने के लिए जी 24 घंटा के चैनल हेड, जी राजस्थान चैनल हेड आशीष दवे मौजूद। टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें पश्चिम बंगाल कोलकाता से। कोलकाता फुटबॉल लीग का रोमांच आज से शुरू। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के 160 से अधिक क्लब इसमें भाग लेते हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि G24 घंटा इसका मीडिया ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है और G24 घंटा के माध्यम से ये मैच, ये आईएफए बंगाल पश्चिम बंगाल के हर घर तक पहुंचेगा और इसको बहुत अच्छा हाइप मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। फुटबॉल पश्चिम बंगाल के लिए क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन उससे पहले 1911 में कोलकाता और कोलकाता की फुटबॉल ने हमें अंग्रेज़ों को ये एहसास करवा दिया था कि भारत में ज़्यादा देर टिकवाना मुश्किल है। 1911 में जो फुटबॉल का शील्ड मोहन बागान ने जीता था, उसी समय ये एहसास हो गया था। फ्रीडम फाइटिंग, वो असली फ्रीडम फाइटिंग वहीं स्टार्ट हो गई थी और हमने अंग्रेज़ों को हरा के बता दिया था कि भारत में टिक पाना उनके लिए मुश्किल है। तो फुटबॉल का इतिहास बहुत पुराना है। फुटबॉल प्रेमी, फुटबॉल का जुनून, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं वापस एक बार आईएफए और साची स्पोर्ट्स को धन्यवाद देता हूँ कि हमें अपने साथ शामिल करने के लिए उन्होंने एक मौका दिया। थैंक यू भाई। थैंक यू सर। আমি অনুরোধ করব শ্রদ্ধেয় তমাল ঘোষাল, চেয়ারম্যান স্রাচিস।